स्टूडेंट्स अब आते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स अब हमें क्रिटिकल रीजन कैलकुलेट करना है। फोर क्रिटिकल रीजन क्रिटिकल रीजन कैलकुलेट करते हैं। क्रिटिकल रीजन कैसे निकालना है? क्रिटिकल रीजन नाउ क्रिटिकल रीजन के लिए ऑप्टेन काई स्क्वायर अल्फा कोमा वी फ्रॉम काई स्क्वायर टेबल सी काई स्क्वायर टेबल। स्टूडेंट जो मैंने पहले आप लोगों को काई स्क्वायर टेबल दिया था वही काई स्क्वायर वाला टेबल देखेंगे हम, ठीक है। गिवन अल्फा में कितना दिया हुआ है स्टूडेंट? अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें कितनी दी हुई है? 0.05। अल्फा की वैल्यू 0.05 दी हुई है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है स्टूडेंट्स? डिग्री ऑफ फ्रीडम हम वी कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम वी कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज माइनस वन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस वन। ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम वी है। कितनी रोज हैं स्टूडेंट्स यहाँ? स्टूडेंट्स हमें कितनी रोज दी हुई इस प्रॉब्लम के अंदर, जरा देखते हैं। इस प्रॉब्लम के अंदर स्टूडेंट हमें कितनी रोज दी हुई है? 1, 2। टोटल को हटा दें। कितनी रोज दी हुई है स्टूडेंट? 1, 2। 1, 2 दो रोज हैं और कितने कॉलम हैं स्टूडेंट्स? 1, 2 टू कॉलम हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स 1, 2 दो रोज हैं और दो कॉलम हैं, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2, 2 माइनस वन। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2, 2 माइनस वन। वी कितना हो जाएगा? 1 × 1। वी की वैल्यू कितनी हो गई? 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम स्टूडेंट 1 आ गया। अब स्टूडेंट हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे काई स्क्वायर अल्फा कॉमा वी की। स्टूडेंट हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है काई स्क्वायर अल्फा कॉमा वी की। स्टूडेंट ये वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे? टेबल से। तो स्टूडेंट सी दिस वैल्यू फ्रॉम टेबल। ये वैल्यू स्टूडेंट हम टेबल से कैलकुलेट करेंगे काई स्क्वायर अल्फा कॉमा वी की वैल्यू। स्टूडेंट ये वैल्यू टेबल से कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट। अल्फा स्टूडेंट कितना है? 0.05। अल्फा स्टूडेंट कितना है? 0.05। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है स्टूडेंट? 3.841। देखें स्टूडेंट अल्फा कितना है? 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है स्टूडेंट? 3.841। ये काई स्क्वायर स्टूडेंट अल्फा की वैल्यू हमें कितनी देना है? 0.05। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा कितना है? 0.05, ठीक है। अल्फा कितना है? 0.05। और डिग्री ऑफ फ्रीडम वी कितनी है स्टूडेंट? 1। 0.05 के 1 पर वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ये स्टूडेंट 0.05 के 1 पर, ठीक है। तो स्टूडेंट ये वैल्यू निकल के आई हमारे पास 3. ये स्टूडेंट वैल्यू फिर देख लें कितनी आई? 0.05। अल्फा कितना है? 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 1। तो स्टूडेंट ये वैल्यू कितनी निकल के आई? 3.841 काई स्क्वायर अल्फा कोमा वी की वैल्यू आ गई 3.841, ठीक है स्टूडेंट। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब स्टूडेंट क्या काम करें अब हम, ठीक है स्टूडेंट्स क्या करें? अब हमें डिसीजन लेना है।
स्टूडेंट हमें क्या लेना है, डिसीजन लेना है। स्टूडेंट हम डिसीजन कैसे लें, वी हैव टू फाइंड आउट डिसीजन, हमें डिसीजन लेना है।